आखिर में इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा, क्या करेगा फॉर्म 45 का? आपने फॉर्म 45, जैसे हमने, जहां हमें एतराज है, ये नहीं हो सकता कि छह छह सात सात आठ आठ दफा का जीता हुआ एमएनए हार जाए और वहां कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से वो जो फॉर्म 45 जो है वो जाली है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक जाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चार हलके खोलो, चार हलके खोले जाएं तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे तचाड़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तबाह कर दें, उनको उनकी बेहुरमती करें, और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना ग्रोह है, ये साजिशी ग्रोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा, ये बयानात दिए जा रहे हैं। और इसी शख्स ने, जिसकी जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज है, आपको भी इतराज है, और जमातों को इतराज है, जिस जगह के ऊपर रेगुलरिटी नजर आ रही है, आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रिकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाजत नहीं मिली थी, साद रफीक साहब और शबाज शरीफ साहब के हलके के अंदर, कराची के अंदर।